कैसे हो? होप करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। दिस इज अरुंधति, यू आर वॉचिंग अरुंधति ब्लॉग चैनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी स्किन के बारे में। आपने मेरी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ अपने स्किन के लिए, अपनी स्किन को क्लींस रखने के लिए, एक्सप्लोरेट करने के लिए मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन कोलेजन, हमारे जो स्किन में जो कोलेजन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे उसको कोलेजन को मेंटेन करके रखना है, पूरी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता है, हमारे स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, हमें हमेशा बाहर जाके ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट हम अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं और खुद कुछ प्रोडक्ट यूज करके कर सकते हैं। ऐसे नहीं हमेशा बाहर जाके कोई डॉक्टर के पास जाके, अगर हमारे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाता है, रिंकल्स आ जाती है, टायर्डनेस लगती है हमारे स्किन, जाके हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करा लेते हैं। ऐसे हमेशा नहीं करना चाहिए, खुद अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने स्किन को अच्छे से ट्रीटमेंट हम खुद दे सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वो स्किन कोलाजन से करेंगे। क्या होता है कि स्किन का जो इलास्टिसिटी है, एजिंग है, उसको रिड्यूस करने के लिए वन ऑफ द मेन वे हाउ वी कैन डू इट इज बाय सप्लीमेंटिंग द स्किन कोलाजन। व्हाई डू यू नीड कोलाजन सप्लीमेंट? तो हम क्यों लेना चाहिए हमें कोलाजन सप्लीमेंट, और हमें किस टाइम लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? ठीक है, तो वो एक सर्टन एज होता है, उसके बाद अगर हमारी स्किन में क्या होता है, रिंकल्स आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है, उसलिए हमें कोलेजन की जरूरत पड़ती है, राइट? तो क्या होता ना, जब हम यंग होते हैं टिल द एज ऑफ 20, हमारे स्किन का जो नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन है तो वो काफी अच्छे से ऑटोमेटिकली होता है। आफ्टर द एज ऑफ 20 अ पर्सन प्रोड्यूस अबाउट 1% लेस कोलेजन इन स्किन ईच ईयर, एंड उसके बाद शुरू हो जाता है हमारे स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइन्स एंड झुर्रियाँ पड़ जाना स्किन में, और लूज हो जाना स्किन, वो सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखने लगती है। तो वो सब रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हेलोरोनिक एसिड क्रीम और कोलेजन क्रीम यूज करते हैं हमारे स्किन को बरकरार रखने के लिए। और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है दैट वी इंजेस्ट कोलेजन, तो हमें अपनी बॉडी के अंदर कोलेजन भी लेना चाहिए। लगान खाली फेस में सामने लगाने से ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बॉडी के अंदर का सब कुछ ठीक है, तो आप बाहर भी अच्छे दिखोगे। तो हमें क्रीम जैसे हेलोरेनिक एसिड एंड कोलेजन क्रीम हम लगाते हैं ना अपनी स्किन पर ग्लो लाने के लिए, तो उस तरह की हमें इंजेस्ट भी करना चाहिए कोलेजन। तो हमें कोलेजन अपने बॉडी के अंदर भी लेना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मैं कैसे कोलेजन इंजेस्ट करती हूँ और कैसे मैं लेती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आई हैव दिस एचके वाइटल स्किन रेडियंट कोलेजन, इट इज मैरिन कोलेजन, प्लस इट हैज स्किन केयर विटामिंस लाइक विटामिन सी, ई एंड बायोटिन। विटामिन सी जो कि आपकी स्किन रेडियंट करता है, विटामिन ई जो कि आपकी स्किन फाइन लाइंस अपीयरेंस की जो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड बायोटिन जो कि आपकी ओवरऑल स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। इट हैज आल्सो हेलोरोनिक एसिड जो कि आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसके साथ साथ आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। सबसे पहले क्या होता है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन की मतलब ये नहीं होता कि आपको बस खूब सारे पानी पीने से होता है, ऐसा नहीं है, पानी पीना ही अच्छा होता है। ठीक है, पानी पीना दिन में 3-4 लीटर अगर पानी पीते हो तो अच्छा है। ऐसे नहीं है कि 6-7 बोतल लेके घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पानी पीने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो विटामिन से होते हैं ना, एक्सेस वाटर पीने से वो क्या होता है, फ्लश आउट हो जाता है, तो जो हमारे किडनी के ऊपर बर्डन पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 6-8 बोतल पूरी दिन में पानी कंज्यूम करना है, और पानी पीने से आपका, आप चाहते हो आपका पूरा स्किन हाइड्रेट रहेगा, आप हाइड्रेटेड रहोगे, ऐसे कुछ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी पीना अच्छा है, एक्सेस पानी पीना बहुत नुकसान करता है, आपकी स्किन के सारे विटामिन्स को फ्लश आउट कर देता है जो आपकी किडनी के ऊपर बर्डन डालता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये कभी ना करें, ऐसे एक्सेस वाटर नहीं पीना है। हाइड्रेशन आपको काफी सारे चीजों से मिल जाती है, यू कैन गेट दैट वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो, तो उसी चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो कोलेजन क्या होता है, कोलेजन इज एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द स्किन, एज इट मेक्स अप टू 70% ऑफ इट। दिस कोलेजन हेल्प्स इम्प्रूव इलास्टिसिटी ऑफ स्किन एंड मेंटेन स्किन हाइड्रेशन, एंड हेलोरेनिक एसिड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिंकल्स।
कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द बॉडी अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इट्स प्रोटीन कंपोजिशन राइट कोलेजन इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स विच आर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी Why SK Vital Skin Radiant Collagen? Because it's enriched with real marine collagen, has skin nourishing ingredients like vitamin C, vitamin E, biotin and hyaluronic acids. Means it is derived from fish peptides, mostly marine collagens are. यू नो मार्केट में बहुत सारे प्लांट बेस्ड कोलाजन मिलता है जो जिसको बोलते हैं वेजिटेरियन कोलाजन्स मुझे नहीं लगता वो इतना इफेक्टिव होंगे और वो ना कोई रियल कोलाजन होंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाजन एक है वोवाइन कोलाजन जो हड्डी से बनता है और दूसरा है मैरिन कोलाजन जो इंडिया में बहुत ईजिली मिल जाता है हम इंडियन मैरिन कोलाजन यूज़ करते हैं तो बहुत ईजिली मैरिन कोलाजन इंडिया में अवेलेबल है और मिल जाती है और दिस इज रियल कोलाजन एच के वाइटल्स SRC इज अ रियल कोलाजन SRC मतलब स्किन रेडियंस कोलाजन एंड ये ऑरेंज फ्लेवर में है आई लव दिस डिलीशियस फ्लेवर और इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है ना कोई साइड इफेक्ट है इट इज 25 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन कोलाजन बिल्डर एंड इट्स कम फ्रॉम द SK Vital ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी तो मैं आपको स्टेप बता देती हूँ ये कैसे कंज्यूम करना है मैं यूजुअली कैसे कंज्यूम करती हूँ तो कितना लेना है क्या क्वांटिटी ये सारे मैं आपको बता देती हूँ टेक 100 ml ऑफ कोल्ड वाटर एंड 2 scoops ऑफ पाउडर आप इसमें डालिए मिक्स इट वेल अंटिल यूनिफॉर्म आप अच्छे से मिक्स करके इसको कंज्यूम कीजिए आप चाहो तो इसमें आप अगर आपको एक्स्ट्रा विटामिन सी ऐड करना है तो आप इसमें लेमन को डाल सकते हो लेमन इसको निचोड़ के इसमें लेमन डाल सकते हो अगर आप लेमन नहीं डालना चाहोगे तो आप ये डायरेक्ट इसको ले सकते हो इसमें सब कुछ है जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें विटामिन सी ई हाइलोरनिक एसिड्स बायोटिन और इसमें कोलाजन तो है ही तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा तो होप करती हूँ आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा आपको ये प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा अमेजन से ले सकते हो या हेल्थ कार्ड की अपनी वेबसाइट पर से जाके चेक कर सकते हो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोडक्ट का लिंक दे दिया विद कूपन कोड अगर आप मेरे कूपन कोड यूज करके लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तो आज के लिए मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग थैंक्स फॉर वॉचिंग